Hello, I am Iris Dev. Welcome to my channel. Today we will study main words relevant to kitchen and vegetables. अगर आप पिछली वीडियो का एक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो आपको वो वीडियो यहाँ आई बटन पे मिल जाएगी, क्लिक कीजिएगा। वीडियो में बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग मटेरियल है, देख लीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू गेट द इंस्टेंट नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माय वीडियोस। और इसके अलावा कमेंट शेयर भी करना मत भूलिएगा। पहला वर्ड जो हम यहाँ पे सीखने जा रहे हैं वो है मूंग, जिसको आप किडनी बीन कह सकते हैं और इसको हम किचन में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ग्रेप फ्रूट, जिसको चकोतरा बोलते हैं, इसको भी आप अपने किचन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो तस्वीर है वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है शीरा, जिसको इंग्लिश में ट्रिसल बोलते हैं। शीरा कैसा होता है आपके सामने तस्वीर लगी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। ये भी किचन का एक वर्ड है जिसको आप। नेक्स्ट वर्ड जो आप किचन में बैठ के इस्तेमाल कर सकते हैं वो है लुकमा, जिसको इंग्लिश में मोसल बोलते हैं। तो कैसे खाते हैं आपके सामने तस्वीर है, सीख लीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड है खोबानी, ये फ्रूट है, ये भी आप किचन में बैठ कर खा सकते हैं, इसको बोलते हैं एप्रिकॉट, एप्रिकॉट। इसको भी आप किचन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अनानास, पाइन एप्पल, इससे आप खूबी वाकिफ है। तो ये भी वर्ड मैंने शामिल किया हुआ है क्योंकि बहुत सारे लोग ये नहीं जानते। नेक्स्ट वर्ड काजू, कैशोनट, कैशोनट भी आप किचन में बैठ के खा सकते हैं और किसी में मिला भी सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है गन्ने का जूस, शुगर कैन जूस, ये भी आप किचन के अंदर पैक कर पी सकते हैं, इसलिए इसको मैंने किचन वर्ड में इस्तेमाल किया। नेक्स्ट वर्ड है आलमंड, बादाम, जो किचन में आप खा सकते हैं और किसी के साथ मिला भी सकते हैं या दूध के साथ इसको खा सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लस्सी, लस्सी तो आप किचन में बैठ कर पीते ही तो हैं, तो इसको इंग्लिश में वे बोलते हैं, वे वे वे। पकौड़े तो आप खाते हैं लेकिन उनकी इंग्लिश शायद ना आती हो, पकौड़े को इंग्लिश में फ्रिटर्स बोलते हैं, फ्रिटर्स। डू यू वांट टू ईट फ्रिटर्स? समोसा, समोसा तो खाते होंगे, उसकी इंग्लिश शायद आती हो, समोसे को इंग्लिश में बोलते हैं पैटी। डू यू वांट टू ईट पैटी? पैटी।